फ्रेंड्स, वीडियो का इंट्रो थोड़ा लंबा हो गया है, मुझे पता है, लेकिन क्या करूं, मेरी जगह ही कुछ ऐसी है। तो इस बार मैं स्कूटी से गया था मेरी सिलीगुड़ी से हायर करके, तो जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग था। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, वीडियो में मैं सब इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो अभी मैं न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन में हूँ और मैं गुवाहाटी से आया था। ट्रेन में सही 7-8 घंटा तक लग जाता है गुवाहाटी से। तो मैं आ गया एग्जीक्यूटिव लाउंज में, कुछ देर के लिए रेस्ट कर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम लोग एक स्कूटी हायर करने वाले हैं सिलीगुड़ी से। तो 8 बजे के करीब जाना है उधर, तो अभी 6 बज रहे हैं, तो 2 घंटे के लिए रेस्ट कर लेंगे यहाँ पे। और लाउंज में पर घंटा ₹50 पे करना पड़ेगा आपको। तो फ्रेंड्स, मैं स्टेशन से बाहर निकल चुका हूँ, तो अभी जाना पड़ेगा सिलीगुड़ी एक स्कूटी हायर करने के लिए। तो सिलीगुड़ी में एक जगह है NTS मोर करके, वहाँ पे रॉयल राइडर्स करके एक है कंपनी जहाँ से आप स्कूटी बाइक हायर कर सकते हो। तो हम भी वहीं पे जाने वाले हैं। NTS मोर यहाँ से 3 किलोमीटर है, तो एक टोटो रिजर्व ले लिए जाने के लिए। ₹150 लग गया, लेकिन आप चाहे तो लाइन गाड़ी से भी जा सकते हो, ₹20 करके भाड़ा है। हमारे साथ लगेज ज़्यादा है तो इसलिए हम रिजर्व ले लिए। तो फ्रेंड्स, ये है रॉयल राइडर्स जहाँ से हम एक स्कूटी हायर करने वाले हैं। देखिए ऊपर साइन बोर्ड है। तो हम थोड़ा जल्दी आ चुके हैं, अभी टाइम हो रहा है 7 सुबह 7 बजे, लेकिन ये दुकान 8 बजे ओपन होती है। तो हमने फ़ोन किया था, साइन बोर्ड के नीचे फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर देखे हमने फ़ोन लगाया था और भैया बोले थोड़ा जल्दी आ जाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे बहुत सारा बाइक और स्कूटी रखा हुआ है जो जो अवेलेबल है। अभी कुछ और भी अवेलेबल हो सकता है इसको छोड़ के, लेकिन अभी मुझे यही दिख रहा है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, देखिए रॉयल एनफील्ड भी है, हिमालयन, क्लासिक, थंडरबर्ड, सब कुछ मिल जाएगा। स्कूटी भी मिलेगा आपको, एवेंजर भी है। तो फ्रेंड्स, हमने हायर किया है TVS एंटॉर्क और स्कूटी का कंडीशन बहुत ही अच्छा है, एकदम नया जैसा है। और एक 360 डिग्री वीडियो में बना रहा हूँ प्रूफ के लिए क्या क्या स्क्रैचेस पहले से है। और हाँ, बाइक स्कूटी हायर करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमारा जर्नी शुरू हो गया है और पेट्रोल भी भरवा लिए, पूरे फुल टैंक करवा लिए। तो अभी जाएंगे मिरिक। ये जो रास्ता है, अभी मैं सिलीगुड़ी में हूँ और ये सीधा जाना है, थोड़ी देर सीधा चल के थोड़ा लेफ्ट टर्न लेना पड़ेगा। तो मिरिक का जो रास्ता है वो पकड़ेंगे और जाएंगे मिरिक। तो देखते रहिए वीडियो। तो सिलीगुड़ी से मिरिक का डिस्टेंस है लगभग 50 किलोमीटर और पहाड़ी रास्ता है, इसलिए टाइम ज़्यादा लग जाता है, 2-2.5 घंटा तक लग जाता है 50 किलोमीटर के लिए। तो सिलीगुड़ी एकदम प्लेन लैंड है, यहाँ पे पहाड़ी नहीं है। और कुछ देर बाद पहाड़ी स्टार्ट हो गई। एक्चुअली एक जगह है दुधिया करके, जो सिलीगुड़ी से सही 10-15 किलोमीटर के बाद आएगी। तो वहाँ पे एक ब्रिज भी मिलता है, दुधिया ब्रिज करके, मैं दिखाऊंगा आपको। तो वहीं से एक्चुअली पहाड़ी स्टार्ट होती है। तो रास्ता बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों, चलाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, रास्ते का कंडीशन भी मस्त है एकदम। और दोनों तरफ का व्यू आप खुद ही देख लीजिए, तो मज़ा आ रहा है दोस्तों। पहली बार मैं पहाड़ियों में बाइक चला रहा हूँ और पूरे जर्नी का जो वीडियोग्राफी है वो मेनली सोनाक्षी करेगी, क्योंकि मैं तो बाइक चलाऊँगा, सोनाक्षी पीछे बैठी रहेगी। तो कुछ कुछ पहाड़ मुझे यहीं से नज़र आ रहा है दोस्तों, क्या आप देख पा रहे हो? तो यही रास्ता पूरा घूम के एकदम पहाड़ के ऊपर तक जाएगी, मज़ा आएगा। वीडियो में मैं देखा था, दोनों तरफ का व्यू बहुत ही मस्त है और आज मैं खुद अपने आँखों से देखने वाला हूँ, तो एक अलग ही एक्सपीरियंस है। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस पूरी ट्रिप को लेके। तो मेरे दोनों ही साइड में टी गार्डन है दोस्तों, पता नहीं इस टी गार्डन का नाम क्या है, लेकिन मस्त दिख रहा है। तो सामने प्लेन लैंड है पूरा और दूर पहाड़ दिख रहा है मुझे, तो ये एक अलग ही एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा लुक दे रहा है ओवरऑल। और ट्रैफिक भी कम है, रास्ते का कंडीशन भी मस्त है, तो चलाने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और वेदर थोड़ा गर्मी है, लेकिन अभी कुछ देर बाद ठंड शुरू हो जाएगी जब बाहर में चलूँगा। तो मेरे सामने है रोहिणी मोड़ चेक पोस्ट, तो यहाँ से लेफ्ट टर्न लेना है मिरिक जाने के लिए। और यहाँ से रोहिणी मोड़ से आप राइट टर्न लेंगे तो कारसियांग पहुँचेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग एक मोड़ पे आए, लेफ्ट टर्न लेंगे तो मिरिक जाएंगे, देखिए सामने लिखा है वेलकम टू मिरिक। तो यही रास्ता पकड़ेंगे तो मिरिक पहुंचेंगे 29 किलोमीटर से यहाँ से मिरिक। और ये दाएं तरफ जो रास्ता जाती है, ये देखिए एक स्टैचू भी है यहाँ पे, तो
तो दाएं तरफ जो रास्ता जाती है वो जाती है कारसियान की तरफ, लेकिन हम लोग अभी मिरिक जाने वाले हैं तो यही रास्ता पकड़ने वाले हैं, देख लीजिए। ठीक है, चलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से रास्ता और भी खूबसूरत हो चुका है, तो जितना मैं जा रहा है वो रास्ता खूबसूरत होता ही जा रहा है और पहाड़ का जो चढ़ाई वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। मज़ा आ रहा है दोस्तों। तो मैं पहुँच गया दुधिया, तो अभी दुधिया ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं। तो ये एक्चुअली एक पिकनिक स्पॉट है, सीज़न में यहाँ पे लोग आते हैं पिकनिक के लिए, नदी किनारे टेंटिंग करके पिकनिक मनाते हैं लोग। और यहाँ पे रास्ते का मरम्मत चल रहा है, तो मानना पड़ेगा ये लोग कंटिन्यूसली काम करते हैं और ये जो पूरा रास्ता है वो एकदम वेल मेंटेन्ड है। तो भूख लग रही है दोस्तों, कुछ खाया नहीं सुबह से, तो सामने कुछ दुकान दिख रहा है, देखते क्या मिलता है इधर। तो फ्रेंड्स, इधर रास्ते में हम हॉल्ट किए कुछ देर के लिए, चलिए एक मोमो शॉप है, तो थोड़ा टिफिन कर लेंगे, यहाँ से मोमो ले लेंगे। नॉन वेज मोमो है 60 रुपीज़ पर प्लेट। हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है और हम फिर से निकल पड़े हैं मिरिक के लिए। और मेरे राइट साइड में व्यू देखिए दोस्तों, सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ नज़र आ रहा है, क्या क्या टर्निंग से रास्ते का। मज़ा तो आ रहा है लेकिन बहुत ही संभाल के चलाना पड़ रहा है दोस्तों, क्योंकि एक तो मैं पहली बार चला रहा हूँ इन रास्तों में। ओ भाई साहब, क्या व्यू है साइड में, सच में मज़ा आ रहा है। मुझे तो लग रहा है मैं एक अलग दुनिया में आ चुका हूँ दोस्तों, हमारा डेली ऑफिस वर्क से कई गुना बेहतर। और रास्ता बहुत स्टीप है भाई, मेरा स्कूटी तो चल ही नहीं पा रहा है, आपको कैमरे में शायद ही पता लगेगा। क्या चढ़ाई है, अभी अभी जिस रास्ते से आए ना वो नीचे दिख रहे हैं उधर, देखिए। और इधर एक मंदिर भी दिख गया है मुझे, पता नहीं, मुझे तो एक शिवा टेम्पल की तरह लग रहा है, उतर के देखेंगे थोड़ा। तो फ्रेंड्स, इधर रास्ते में और एक जगह में हॉल किए हैं, इधर एक शिव टेम्पल है, देखिए टेम्पल का गेट ही से नज़र आ रहा है, थोड़ा चल के देखेंगे। और मेरे ऑपोजिट में क्या व्यू है थोड़ा दिखा देते हैं आपको। तो देखिए दोस्तों, ये है वो शिवा टेम्पल, थोड़ा नीचे जाना पड़ता है, सीढ़ी है इधर। तो टेम्पल तो अभी बंद है, लेकिन आप जाके देख सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं। बहुत लोग रुके हैं इधर, व्यू अच्छा है तो देखने के लिए बहुत लोग रुके हैं इधर, तो बहुत चल रही है। दोस्तों, मैं ये कहाँ आ गया हूँ, मुझे तो लग रहा है मैं स्विट्ज़रलैंड आ गया। आप देखिए, अब खुद नहीं आएंगे तो यकीन नहीं मानेंगे, क्या नज़र आया, आप देखिए ये देखिए, पूरा टी गार्डन है, और दूर ये पाइन फॉरेस्ट भी नज़र आ रहा है, आप देखिए सब कुछ मिला के, मतलब बहुत ही एक अच्छा ओवरऑल व्यू है। मैं देखिए, मैं आपको बता नहीं सकता कितना अच्छा व्यू है, देख लीजिए। मैं 360 डिग्री रोटेट करके कैमरा को दिखा देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए, लेकिन मैं जितना भी कोशिश क्यों ना करूं, आप खुद ने अपने आंखों से नहीं देखेंगे तो यकीन नहीं मानेंगे किस तरह का व्यू है। और यहाँ से एक रास्ता नीचे की तरफ भी जाती है, आप देखिए। तो दोस्तों, मैं आ गया तमलिंग व्यू पॉइंट में, तमलिंग या तिमलिंग मुझे पता नहीं, जो भी हो देख लीजिए क्या अच्छा नज़र आ गया से। और यहाँ पे लिखा है आई लव मिरिक, तो मिरिक में दो जगह में आई लव मिरिक लिखा है, एक ये तमलिंग व्यू पॉइंट में और एक है मिरिक लेक में, मैं दिखाऊंगा वो भी, पहले ये देख लीजिए। और ये तमलिंग व्यू पॉइंट रास्ते में आता है, आप जब मिरिक जाएंगे तो रास्ते में ये व्यू पॉइंट आएगा, तो यह उतर के आप थोड़ा फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर सकते हो।
फ्रेंड्स, मैं मिरिक मार्केट पहुंच चुका हूँ और यहाँ से हमारा होटल दूर नहीं है। एक्चुअली हमारा रूम एक होम स्टे में बुक्ड है जिसका नाम है प्रधान होम स्टे, और ये होम स्टे एकदम मिरिक लेक के पास ही है। तो मिरिक लेक भी दिख गया है सामने, बहुत टूरिस्ट लोग आए आज, मैं बहुत कारी दिख रहा हूँ सामने। और हमारा जो होम स्टे है ये लेक के बगल में ही है, तो अभी चलेंगे हमारा होम स्टे में। और हाँ दोस्तों, मिरिक लेक का और एक नाम भी है, इसको सुमेंदु लेक भी कहा जाता है। तो ये रहा मिरिक लेक, बहुत ही काम प्लेस है। क्या व्यू है चारों तरफ, इस तरह लेक के किनारे ऊंचा ऊंचा पाइन फॉरेस्ट में पहली बार देख रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं यहाँ से मिरिक लेक का एक व्यू दिखा देता हूँ आपको, देख लीजिए। लेक के किनारे ऊंचा ऊंचा पाइन फॉरेस्ट है और गार्डन की तरह भी बना के रखा है चारों तरफ, और एक फोटोशूट पॉइंट भी है जहाँ पे आई लव मिरिक लिखा है। तो दोस्तों, आपके जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, मिरिक जो वर्ड है ये एक्चुअली आया है मीर और योक दो लेप्चा वर्ड से, जिसका मतलब है बर्न्ड फॉरेस्ट। लेकिन नाम तो नाम ही है, क्योंकि इस तरह बर्न्ड फॉरेस्ट तो मुझे नहीं दिखा अभी तक। तो दोस्तों, आज मैं बहुत थक चुका हूँ, तो सीधा अभी चलूँगा होम स्टे। तो मैं जो होम स्टे में रह रहा हूँ अमेरिका के, वो होम स्टे का नाम है प्रधान होम स्टे। मैं लोकेशन दिखा दूँगा गूगल मैप में, लोकेशन बहुत ही मस्त है। देखिए, मेरे एकदम अपोजिट में है मिरिक लेक, तो देखिए ये है पूरा मिरिक लेक। तो मिरिक लेक जहाँ पे एंड हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, तो मिरिक लेक के जहाँ पे एंड हो रहा है उसके एकदम बगल में ही ये होम स्टे है, इसका नाम है प्रधान होम स्टे। तो मैं रूम टूर दे देता हूँ आपको। तो ये रहा हमारा रूम, और हाँ, रूम के सामने यहाँ पे एक बेलकुनी भी है जहाँ से आप पूरा नज़ारा ले सकते हैं। ये जो लेक का पूरा व्यू है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो मैं रूम टूर दे देता हूँ, देख लीजिए। तो ये रहा हमारा रूम। तो एक्चुअली ये एक होम स्टे है दोस्तों, तो इसलिए आपको होम जैसा ही मिलेगा, होटल जैसा नहीं। आप देख सकते हैं सोफा वोफा भी रखा हुआ है, सब कुछ है, बेड है और भी बहुत कुछ है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत थक चुका हूँ और अभी होम स्टे में ही खाना खाएंगे और रेस्ट करेंगे, और मैं कल निकलूँगा साइट सीइंग के लिए। तो मैं मिरिक साइट सीइंग का एक अलग वीडियो लेके आऊँगा, तो आज इस वीडियो में मैं इतना तक ही दिखाऊँगा। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा।